Hello dear students, how are you? I hope you are so good. Okay, in previous video we do some exercise. Okay, in chapter 2 we completed a topic. First fill in the blanks, okay, and a second write a T for true and a F for false statements, and third match column A and column B, and fourth the tick the correct option. Okay, four topics हम लोग कर चुके थे. Last है E, answer the following questions. Last topics करेंगे आप. आज हम लोग questions दिए गए हैं उसका answer करेंगे. Okay, you ready ना? Okay, तो here first question, how do green plants make their food? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं. आपको बताए थे ना कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाई जाती है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने जड़ों के द्वारा जल लेते हैं, और इन्वायरमेंट से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े हुए होते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिससे वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं. ओके, तो हम लिखते हैं द प्लांट्स नोट कीजिए, द प्लांट्स हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of air, water and sunlight. इसको आप नोट कर लीजिए. अगर नोट करने में असुविधा हो रही हो, आप नोट नहीं कर पा रहे हो, तो आप यही वीडियो को रोक दीजिए. रोकने के बाद इसको लिख लीजिएगा, फिर चालू कीजिएगा. ओके, हम आगे बताते हैं आपको. नेक्स्ट है, इतना आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एनिमल गेट देयर फूड? सेकेंड क्वेश्चन, how do animals get their food? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं. ओके, एनिमल्स अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं इसको लिख लेते हैं. तो आपको बताया था ना, जो एनिमल्स होते हैं वो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ओके, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स आर प्लांट्स प्रोडक्ट. प्लांट्स आर प्लांट प्रोडक्ट. ओके, तो आप नोट कीजिए. एनिमल्स get their food from plants or other
एनिमल्स। ओके अब नोट डाउन कर लीजिए, जो एनिमल्स होते हैं वह दूसरे या तो प्लांट से या दूसरे जानवरों से, दूसरे एनिमल्स से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए, हम फर्स्ट का इरेज कर दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड आप नोट कीजिए, फर्स्ट हम इरेज कर रहे हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, हाउ डू सेंस ऑर्गन हेल्प एनिमल्स, हाउ डू सेंस ऑर्गन हेल्प एनिमल्स। हाउ डू सेंस ऑर्गन्स हेल्प एनिमल्स, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वह किस प्रकार एनिमल्स का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आपको पता है ना, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो एनिमल्स होता है फील कर सकते हैं, ठीक है, और अपोजिट कंडीशन से बच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर नोट कर लेते हैं। आंसर थर्ड, द सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स हेल्प animals to feel and response respond to change in their surrounding। change their surrounding, तो जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको फील करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ उनको जो सराउंडिंग है, उनका आसपास का वातावरण है, उसको चेंज करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, रिस्पांस देते हैं, ठीक है, उनको रिस्पांस देते हैं, बताते हैं, उसके वजह से वो क्या करते हैं, अपने आसपास की जो क्लाइमेट है वहां से वो हट जाते हैं। किसके वजह से? सेंस ऑर्गन की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। फोर्थ क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन हम नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन फोर्थ, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, हाउ
plants reproduce. अब प्लांट्स कैसे प्रजनन करते हैं और प्रोड्यूस कैसे करते हैं इसको जान लेते हैं। तो आपको बताए थे ना जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। वह कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका आंसर क्या हम लिखेंगे कि मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस ओके मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स एंड सम ऑफ द प्लांट्स प्लांट रिप्रोड्यूस देयर पार्ट्स देयर बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स लाइक स्टेम रूट एंड ओके उस पर पौधे ऐसे होते हैं जो स्टेम से रिप्रोड्यूस करते हैं स्टेम से प्रजनन करते हैं कुछ लीव्स से और कुछ जो होते हैं वह रूट से। ओके लास्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। अगर लिखने में असुविधा हो रही हो तो यही वीडियो को पोस्ट कर दीजिए रोक कर इसको लिख लीजिएगा फिर आगे का लिखिएगा। एक क्वेश्चन और है आपका इसको हम बता दे रहे हैं आपको जो चीजें आपको समझ में ना आए नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा होमवर्क कंप्लीट करके और आप सेंड कीजिएगा। ओके लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। किस प्रकार से एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर आश्रित होते हैं किस प्रकार से एक दूसरे से आश्रित हैं? ठीक है तो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। लिख लेते हैं जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं किस प्रकार से एक दूसरे से दूसरे पर आश्रित होते हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो द प्लांट्स एंड द एनिमल्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल इसको नोट कर लीजिए अपने जीवन निर्वाह के लिए
एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और आपको क्वेश्चन में आंसर बताए भी थे कि जो एनिमल्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को देते हैं, उसके बदले में जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को खाने के लिए फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और कुछ एनिमल्स को रहने के लिए शरण भी देते हैं, आश्रय भी देते हैं। जैसे जो बर्ड्स होती हैं, पक्षियाँ होती हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड होती हैं, प्लांट्स के सीड को खाती हैं और प्लांट्स पे ही अपने घोंसले को बनाती हैं, अपने नेक्स्ट को बनाती हैं, ठीक है, और उसी में वो रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5th का जो आंसर है, दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, कॉपी कंप्लीट करके सेंड कीजिएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ओके, फर्स्ट और सेकेंड आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट सेकेंड आप कंप्लीट करके कॉपी साइन करा लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।